सब जानते हैं कि लोंगिट्यूड यानी कि देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो 360 होती है और लोग तो ये भी जानते हैं कि दो देशांतर रेखाएं के जो बीच का गैप होता है वो एक किलोमीटर का होता है बी स्पेसिफिक एक किलोमीटर का रफ आइडिया एक किलोमीटर का लेकिन क्या ये सच है नहीं मतलब देशांतर रेखाएं लोंगिट्यूड जिससे पूरी दुनिया का समय निर्धारण होता है जीएमटी होता है आईएसटी होता है हैं ये गैप आपको सेम दिखाई दे रहा है मुझे नहीं लगता ये सेम होना चाहिए क्योंकि एक जो लब बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि दो देशांत रेखाओं का गैप एक है अरे वो इक्वेटर पर होता है भाई भूमध्य रेखा पर देखो ध्यान से ये गैप कम हो रहा है कम 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 और कम हो रहा है और ध्रुवों पर नॉर्थ पोल पर तो ये गैप है ही नहीं दो रेखाएं आपस में मिल जाती हैं तो कहां पर कहां पर कितना गैप होता है ये कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा कैलकुलेशन कैसे सीखोगे आप लोग कैलकुलेशन ऐसे सीखोगे सबसे पहले 111.325 ये क्या है ये दो देशांत रेखाओं के बीच का गैप है इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर उसकी गुणा करो गुणा करो किससे की एक कोस और निकालो कहां का निकालना है जैसे आपको दिल्ली का निकालना है दिल्ली लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास पड़ती है 30 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास पड़ती है तो 30 बना दो तो ये आपका हो 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 प्लस कर दिया मैंने नहीं, 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 नहीं ये लो छिया किलोमीटर का गैप है, दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली के अंदर दो है। उसका गैप होगा छियानवे किलोमीटर का हा बिल्कुल यही होगा बिल्कुल यही होगा इसके अलावा कोई और निकालना हो तो हटाओ सब कुछ एक सौ ग्यारह ज्यादा हो गया एक आप है ना एक भी ले सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसकी गुणा करो कॉस से सर साठ डिग्री बताओ साठ डिग्री जहां रशिया है रशिया रशिया में दो देशांतर रेखाओं का बीच का गैप ये लो ये आपका आंसर हो गया वहां पर दो लॉन्गिट्यूड का जो गैप हो जाएगा वो पचपन किलोमीटर होगा पिछला क्या था छियानवे क्या है पचपन किलोमीटर का गैप पचपन फाइव किलोमीटर का गैप इसी प्रकार से जनाब हमें नॉर्थ पोल निकालना है उत्तरी ध्रुव अगर आपको उत्तरी ध्रुव निकालना है तो देखो एक बार क्वेश्चन एक सौ ग्यारह पॉइंट थ्री टू फाइव आप एक सौ ग्यारह भी ले सकती हो और इसकी गुणा कर दो किससे नब्बे उत्तरी ध्रुव पड़ता है नब्बे डिग्री नब्बे डिग्री यानी कि अक्षांश अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड पर तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओ हो हो मैंने गड़बड़ कर दी क्या कर दिया एक सौ ग्यारह पॉइंट थ्री टू फाइव गुणा में कोस नहीं लिया मैंने कोस नाइन्टी डिग्री ये लो जीरो जैसा कि मैंने क्या कहा था जीरो डिग्री जीरो किलोमीटर मतलब कि आप ये देखिए ये लाइन यहां पर सारी की सारी लाइन यहीं पर तो मिल रही है यहां पर दो रेखाओं के बीच में कोई गैप होगा ही नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा तो इस प्रकार से 111 की गुणा कर देना रफ आइडिया एक बहुत है अगर सही करना चाहते हो तो एक की गुणा कर देना किससे कॉस कॉस और फिर देखो आपके कहां का निकालना है ये कॉस उसके बाद उसमें डिग्री जो भी उसमें डिग्री बनेगा है ना उसके बाद देखो दस बीस तीस कहां का गैप निकालना है कहां का गैप निकालना है एक सौ ग्यारह पॉइंट थ्री टू फाइव मल्टीप्लाई कॉस ऑफ ए डिग्री इससे आपको पता चलेगा कहां दो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप कितना होगा और वो गैप घटते 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 बिल्कुल जीरो हो जाएगा इसी प्रकार से ज्योग्राफी के और भी मैं क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा मैं आशीष अंतिल चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो ताकि और डिटेल में मैं आपसे बताऊं अगली वीडियो में मैं अक्षांश और देशांतर की और बड़ी बात करूंगा लॉन्गिट्यूड रेटिट्यूड के ऊपर में नमस्कार